राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया, उसके अंतर्गत सभी बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहे, इसलिए हर मदरसाओं में स्कूल खोले हुए हैं। लेकिन करौली के बजीरपुर गेट की मदरसा में सरकार की तरफ से मदरसा तो लागू है, लेकिन वहाँ के मदरसा चालू नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चे एक प्राइवेट टीचर के भरोसे चल रहे हैं। क्या कारण है कि यहाँ पे सरकार की तरफ से मदरसा नहीं चलाया जा रहा? सरकार की तरफ से पता नहीं जो है कोई वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उनकी तरफ से कोई तवज्जो नहीं है तालीम के ऊपर। और जो है मुसलमानों के बच्चे ही हैं, कुछ गरीब तबका है, बड़ी तालीम हासिल नहीं कर पाते और इनके माँ बाप जो है मेहनत मजदूरी करते हैं, ढकेल वगैरह चलाते हैं, बोरे वगैरह उठाते हैं, 150-200 रुपये कमाते हैं वो, तो इसलिए जो इनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि और बड़ी पढ़ाई करें, तो ये सब यहाँ आते हैं मेरे पास और पढ़ते हैं घंटे दो घंटे, फिर उसके बाद स्कूल चले जाते हैं थोड़े पैमाने पर। बाकी तालीमी मामला बहुत ख़राब है, बच्चों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है और ना तो उनको उसके मदरसा चलने की वजह से किसी प्रकार का सरकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उनके माँ बाप का कहना है कि हम खुद ही मजदूर हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें कुछ बने, लेकिन सरकार के नियमों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ रही है। जबकि मैंने जिला शिक्षा अधिकारियों से बात की तो उस मदरसा के लिए आज तक भी पोषाहार उपलब्ध है, फिर भी पता नहीं वो मदरसा कहाँ चल रहा है, जबकि वो मदरसा मस्जिद में ही चलना चाहिए और जिससे बच्चों को पूर्णतः लाभ मिल सके। यदि मदरसा आपके यहाँ पे चलता है तो बच्चों को कौन कौन सी शिक्षा मिलती है आपके बच्चों को? अब सब शिक्षा तो जो है कहीं करें हिंदी की, उर्दू की, अरबी की और जो है साहब इंग्लिश की सब शिक्षा मिलती है साहब। और वो वंचित क्यों रहते बेचारे, वो तो सभी शिक्षा पढ़ते। कितने बच्चे होंगे आपके एरिए में? हमारे एरिए में कम से कम 500 बच्चे। ध्यान देते हैं बच्चों के लिए, टीचर लगाते हैं, जैसे 50-60 बच्चे आते हैं तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, 60 बच्चों को क्या तालीम दूंगा मैं? और जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू पढ़ा सकता हूँ, कुरान शरीफ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन और भी जो तालीम है उसके लिए अलग से सरकार अगर कुछ करे तो वो जो है बच्चों के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा। बजरपुर गेट की मस्जिद में मदरसा पुनः चलना चाहिए और जिला शिक्षा अधिकारी को फ़ोन करके दबाव बनाएं। उनका नंबर है 074-64-220-640। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।